नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, भोजन हमारे लिए एक अनिवार्य चीज़ है। भोजन अगर हम ले लेते हैं तो हमारा शरीर जो है ऊर्जा से, शास्त्रों के पुराणों के अनुसार भोजन को भी पूजनीय माना गया है। इसी वजह से खाने से पहले भोजन को प्रणाम किया जाता है, फिर अन्न देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। शास्त्रों में कई भोजन मंत्र बताए गए हैं जिन्हें खाना खाने से पहले बोला जाता है। इनके अतिरिक्त हम गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय जैसे सामान्य मंत्र भी बोलकर भोजन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो भोजन जो है वो हमारा एक भगवान है, क्योंकि हमें भगवान ने ये शरीर दिया है तो हमें उसके लिए अनिवार्य भोजन भी दिया है, तो हमें ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों के प्रभाव से हमें हमेशा ही भोजन मिलता रहता है और देवी देवताओं की अनुकंपा भी प्राप्त होती है। साथ ही मंत्रों की शक्ति से भोजन से असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वही यह भी कहा गया है कि यदि आप मंत्र ना बोल सके तो अपने गुरु या अपने इष्ट का स्मरण करके भोजन शुरू कर सकते हैं। वहीं भोजन के दौरान कम से कम पानी पिए, भोजन के बाद कम से कम 100 कदम चलें, भोजन करने के 45 मिनट के बाद आप पानी पिए, संभव ना हो तो 10 मिनट ब्रजासन में बैठें, इससे भोजन पचने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।